इसी बीच भरतपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहरीली शराब प्रकरण को लेकर आपको बताएं, आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, 10 सिपाही, जमादार, सर्किल इंस्पेक्टर और एईओ ईपीएफ को किया गया है निलंबित, जिला आबकारी अधिकारी भी हुए निलंबित, जिला आबकारी अधिकारी के निलंबित होने के सरकार से जारी होंगे आदेश, थोड़ी देर में सरकार जारी करेगी आदेश। भरतपुर में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, भरतपुर जिले में जहरीली शराब प्रकरण, इस मामले में बड़ा अपडेट है, आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है, 15 अधिकारी और कर्मचारी किए गए हैं निलंबित, तो ये बड़ी खबर। इस पूरे मामले में 15 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए गए, 10 सिपाही, जमादार, सर्किल इंस्पेक्टर और एईओ ईपीएफ को किया गया निलंबित। और शिवेंद्र परमार हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शिवेंद्र, बड़ा एक्शन हुआ है, जैसा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही संकेत दे दिए थे। बिल्कुल, ये तय था खुशबू की कार्रवाई होगी, क्योंकि जहरीली शराब से 7 लोगों की जान जाना बताता है कि आबकारी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके स्तर पर कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर उनकी लापरवाही नहीं होती तो जाहिर तौर पर इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि आबकारी विभाग का सबसे प्रमुख काम तो यही है कि किसी भी जगह पर मिलावटी हथकड़ या जहरीली शराब की बिक्री नहीं हो पाए, उसके लिए भारी भरकम उनके पास टीम होती है। आप देखिए, 10 सिपाही निलंबित हुए हैं, यानी अगर वो 10 सिपाही समय रहते ध्यान देते कि इस जगह पर जहरीली शराब बिक रही है जिससे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है, तो शायद इन मौतों को टाला जा सकता था। तो विभाग ने इसको गंभीरता से लिया है, और हमने दिन में भी खबर चलाई थी कि आबकारी आयुक्त जोगाराम भरतपुर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने के बाद ये कार्रवाई होगी। वो खुद भरतपुर गए, उस गांव में गए जहां ये घटना हुई, उन्होंने लोगों से जानकारी ली, और जब ये तय हो गया कि इस पूरी घटना में जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी लापरवाही है, तो सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो जिला आबकारी अधिकारी है उनके निलंबन के आदेश अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये तय है, हमारी बात हुई है बड़े अधिकारियों से कि वो भी निलंबित है, क्योंकि उनके जो आदेश है वो वित्त विभाग से यानी राज्य सरकार के स्तर से जारी होंगे, और बाकी जितने लोग हैं, 10 सिपाही हैं, जमादार हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, जिनकी की प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदारी थी, और ये खुशबू जो आबकारी की नीति आई थी 2011-12 में, उसमें भी ये प्रावधान किया गया था कि अगर कहीं पर शराब दुकानतिका होती है तो प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनको एपीओ किया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम रूपबास, जो एसडीएम थे वहां पर रूपबास में, ललित मीणा, उनको भी एपीओ किया है। लेकिन आबकारी विभाग ने अपने स्तर पर भी बड़ा एक्शन लिया है, जिसकी काफी संभावना थी, और 15 लोगों को, जिसमें डीओ शामिल है, एईओ ईपीएफ शामिल है, सिपाही से लेकर जमादार तक, सर्किल इंस्पेक्टर तक, सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त जोगाराम, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी डॉक्टर हर्षा मीणा, वो खुद मौके पर हैं, भरतपुर में कैंप कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ और डेवलपमेंट इसमें देखने को मिले। लेकिन ये सही है कि स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और उनकी गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी से ये घटना हुई है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम